बसमिल मैं हूँ सैबिक आजमी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब नाजिन, डेटी हैरी ने एक नई फिल्म अभी लॉन्च की है और ये है कप्तान की आडियो टेप्स इसका मैं पोस्टमार्टम तफसील से करता हूँ दूसरी अहम बात जो अदम अतमाद का वोट अदालत में चैलेंज अदम एतम असम्बली में पेश हुई फारग हो सकती है क्या मामला हैं वो बताता हूँ और हाफिज़ साहब का बड़ा इम्तहान है कि यह वाकई न्यूट्रल है चोरों के साथ इस रजीम चेंज का हिस्सा है इसकी भी मैं तफसल बताता हूँ इमरान खान को जुम्मे से पहले एक सरप्राइज़ ये लोग देंगे वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट को अब एहसास हो जाना चाहिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन फ़ेल हो गया अवाम को तकसीम करके अपनी बादशाह चलाने का अब काम नहीं चलेगा ज़िद्द और हट तरमी से हट जाएँ नुकसान है बड़ा क्योंकि सियासी इस्तेकाम के बाद ना मुआशी और ना सिक्योरिटी दोनों मुमकिन नहीं है मैं तफसील बताता हूँ एक दिन में सात हमले हुए और ये मैनेज कर रहे हैं इमरान खान को आपको याद होगा कि अरशद शरीफ की शहादत जब हुई तो दो डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा वाजे कहा बड़े अल्फाज थे कि जी हमारी मर्जी के बगैर कोई बाहर नहीं जा सकता मतलब अरशद शरीफ की नहीं, नहीं जा सकता था लेकिन वो ये भी तो पता है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई अंदर भी आ सकता है और ये जो अंदर आए हुए हैं ये कैसे आए फिर एहसान अला एहसान तुर्की से अपने बच्चों की फ़ोटो कैसे शेयर करता है किसने उसे निकाला उसकी कोई इंक्वायरी हुई कोई बंदे पकड़े गए कौन लोग थे फिर लोग उसका ए में नाम तो लेंगे वो वहाँ तुर्की से तस्वीरें लगा कर अपने फैमिली की बच्चों के मुँह चढ़ाता है उन बेगुना माओं का जिनके बच्चे वो कमांडर हयाज जो उस कहता था कि बच्चे मर गए तो क्या और पैदा करो ये वही लोग हैं इस वक्त तोजो की ज़रूरत ही बनू में जहाँ इस वक्त दुनिया की नंबर वन एजेंसी के अपने लोक चंद लोंडे लपाटों ने वहाँ कैद में रखे हुए खजदार में जहाँ दहशत के सए इस वक्त पड़े हुए चमन में जहाँ दुनिया का जदीद असलहत छोड़ कर इनका मालिक गया कि टेस्ट करें इन मासूम पाकिस्तानियों पर शेर जवान पाकिस्तानी फ़ौज के लोगों पर इस वक्त सारी की सारी स्टैब्लिशमेंट बशमूल हमारी नंबर वन इमरान खान को फिक्स करने के चक्कर में है बनु में जेर हरासत जो दहशतगर्द उन्होंने फौजी छावनी तोड़कर कर सी टी डी के सूबेदार मेजर वहाँ पर और दस फौजियों को जरगमाल बनाया हुआ है दुनिया की नंबर वन एटमी ताकत खजदार में बीस से ज्यादा शहरी और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मीरान शाह में एक और ख़ुदकश हो चुका है खजदार में यकबाद दिगरे कल जो कारोबारी मरकज था उमर फारूक चौक वहां पर क्या हुआ आप देख लें अवाम जमा हुई फिर मोटरसाइकिल में मतलब एक प्री प्लैड काम किया जा रहा है सिर्फ कल के दिन आप देखें पुलिस फौज सिक्योरिटी फोर्सेस सात हमलों की दहशत गर्द जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं बड़ा सादा सा प्लान है के पी के में ये लोग ला रहे हैं तालिबान को बलोचिस्तान में बी एल ए को और दीगर प्रॉक्सीज को छोड़ा जा रहा है खुला ताकि जो रेकॉर्ड एक जैसे मनसूबे और ग्वादर को और सीप को एक नुकसान हो और कराची लगता है मुझे अल्ताफ भाई के हवाले एक दफ़ा फिर किया जाएगा और पंजाब में वही पार्टी जिसे तरीकानसाफ़ तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था उसे दोबारा इस्तेमाल करने लगे मुल्तान में इन्होंने कोशिश की थी उस दिन कामयाब नहीं हुई अब दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं जिस तरह फैजाबाद में पैसे बांटे गए थे अब दोबारा एक बार होगा का काम देखे इस वक्त जो इनकी तहरीके तालिबान और बलोच लिब्रेशन वाले ये एक्टिव कैसे हुए मुझे पक्का यकीन है इमरान खान पर कातलाना हमला दोबारा होगा जान खतरे में है और जवाज में कहेंगे देखें जी उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली जिम्मेदारी तो हमेशा कबूल कर स्क्रिप्ट कितना ही घिसा पटा पुराना वही अदाकार सिर्फ शक्लें बदली हैं इनकी नज़रिया वही है पहले हिंदुस्तान पर एक इल्ज़ाम लगा दो कार्रवाई डाल दो तालिबान के मत्थे डाल दो मैं पढ़ रहा था ख्वाजा आसिफ की बात वो कहता जी मेरा सबसे बड़ा एहसासा नवाज़ शीश वफ़ादारी राना सना पहले कहता था उसे देखने से नवाजी को हाजी का स्वाब होता है ना उस बिल्ला इन लोगों को पता है किससे वफादारी करें तो क्या मिलेगा वतन से वफादारी करेंगे तो क्या होगा पर्चे होंगे पेशियाँ होंगी गोलियाँ होंगी जलालत होगी नंगा करेंगे मुझे ऐसा हुआ तो एजेंट भी बना देंगे लेकिन अगर जरदारी मौलाना नवाश इनसे वफादारी करेंगे तो हुकूमतें मिलेंगीहदे मिलेंगे एशियाँ होंगी बंगला नंबर बाईस मतलब खुला माल इमरान खान ये जो जुमे को असम्बली तहलील देखे सदर को भेज रहे हैं परवेज़ अलाई की बाजवा से मोहब्बत है वो अपनी जगह इमरान खान ने कह दिया लेकिन खान बाजवा को रगड़ा लगा लगाएगा जिम्मेदार वो है परवेज़ लाई जब तक, तक तहरीक अदम अहतम कामयाब नहीं हो सकती उस वक्त तक खुद अपने खिलाफ ना खड़ा हो मोले न मारे वाला काम स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम अहतम कामयाब हुई तो वजीर अला के खिलाफ ना हो तो फिर काफिली से कम अज़ कम जान छूट जाएगी नहीं आठ महीने से कोई देखें दस महीनों से क्या फ़र्क पड़ता है इसमें तहरीक इंसाफ को फायदा ही है अतमाद के वोट के लिए पी टी आई के जरकिन है इस वक्त काफली के अरकान भी वोट करेंगे अब जो एतमाद का वोट है वो अदम एतमाद और फिर सबलियाँ तहलील अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ टाइम हासिल कर रही है और कुछ भी नहीं मुल्क एक तरफ बिल्कुल दिवालिया होकर वहाँ करोड़ों रुपए की बोलियों में ये लोग इन इन लोगों को खरीद रहे हैं मवेशी मंडियों की तरह पंजाब से एक एक बोली लग रही है अब इस वक्त मोन सलाई की सियासत या तो काफ लीग ने बचानी है इलेक्शन में जाना है या अपनी जमानतें ज़बत करवा के हमेशा के लिए जावेद आशमी बना लें खुद को गुलालई बना लें खुद को इनकी मुहब्बत की कीमत फिर बाजवा साहब को भी देनी पड़ेगी इन्हें आफि साहब का भी पता चलेगा इस दफा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रल है कि नहीं है जो हम बड़े दिनों से असेसमेंट करें ये भी पता लग जाएगा वफाकी हुकूमत इमरान खान से डरी हुई है इकतीस को इस्लाम आबाद में जो बल्दियात इंतवाल देखें उन्होंने कैंसिल करवा दिया ने वजारत दाखिला को हत हाँ लिखवा दिया ये लोग डरे हुए हैं अब जरदारी चौधरी शिजात के बेटे सालक चौधरी से मिला चौधरी अच्छा चौधरी चाद की तो ना समझ आती है ना कोई हालात है उस बेचारे की एक मम्मी की तरह उसे बांध के ऐसे उन्होंने बिठा देते हैं इस बस फोटो सेशन के लिए होना तो यही चाहिए आप अल्लाह को याद करें गुनाह बख्शवाएं इस हालत में भी जोड़ तोड़ में लगे जब आपके अपने जोड़ काम नहीं कर रहे टूट रहे खुद अपने जोड़ अल्लाह से माफी मांगे अपने गुनाहों की हम सब खैर वो नहीं स्पीकर के वोटिंग जो है खुफिया राय शुमारी है उसमें पैसा और ताकत खुलकर ये लगाएंगे खुलकर जरदारी जी को पहुंच गया है और पीछे से स्टेबलिशमेंट का हाथ आ गया अब खुला माल जरदारी ब्रोकर है उनका इमरान खान ने लेकिन कोई ऐसा उलझाया खुद वो जमान पार्क में बैठा हुआ और इनकी दौड़ें सुबह दोपहर शाम गाड़ियाँ इधर उधर सुबह हुकूमतें बचा लें बस और इमरान खान की हुकूमत बचाएं पी डी एम की सारी जमातें मिलकर ये चाहते हैं कि बस इमरान खान की हुकूमत बात जाए अंदाजा करें ये इनकी टोटल पॉलिटिक्स है इमरान खान की जो भी पोजिशन है असम्बली आए जाए सुबह का मत रहे टूटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सियासी दावों पे जो है ये इमरान खान इन्हें जो है ना जलील कर रहा है दूसरे मानों में सियासी हिसाब से ये उसकी सियासी साख गिराने की कोशिश कर रहे हैं अब देखें कि इम्पोर्टेड लोगों ने इन लोगों ने तहरीकेदम एतमाद का अपनी तरफ से दाव खेला इन्होंने कहा चलो जी खुद हम कमज़ोर हैं हमारे साथ ये भी आ जाएंगे ना नंबर वन वाले गवर्नर पंजाब ने अतमाद का वोट लेने का अब गेम बड़ी क्लियर साफ हैंडलर चूँकि हाथ इनके सर पर रख कर ऐसे बैठे हुए हैं लेकिन नहीं ये नहीं पता कि इमरान खान के पास अभी बहुत सारे ऐसी ऑप्शन हैं तहरीके आदम एतम पर तो ये डरे हुए हैं बोखलाट का नजर आ रहा है कि किसी तरह तहलील रोक दें और काफली फैसला कुल पोजिशन नहीं लेगी क्योंकि का वो साथ दें, तो सारा कुछ जाता है हाथ से और अगर असेंबली तो से अपना ले अब इस चाल में वो जिस तरह फंस जाता है ना कबूतर या मकड़ी के इन्होंने दोनों में पैर रख निकल जाएंगे लेकिन स्टेबलिशमेंट को भी खुश कर देंगे और दूसरी मोर इमरान खान के पैरों में भी गिरता रहा दो दो घंटे खड़ा रहा अब सही वक्त पर सही फैसला लेना यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटिक्स में अब इस असेंबली में पीडीएम की टोटल एक सौ पचहत्तर है नशितें तरीके साहब एक सौ अठहत्तर हैं बजाय काफली की दस नशितें फैसला करेंगे ऑटो वैसे रिक्शे में आ जाती है पूरी पार्टी लेकिन इस वक्त चूँकि हुकूमत साजी के लिए बड़े अहम बन चुके हैं वो तो तहरीकन साहब ने एक सौ अट्ठासी से वजी अला मुंतब किया है आपको याद है लेकिन चूँकि फ्लोर क्रॉसिंग की ज्यादा में पी डी एम के पंद्रह अकीन भी हैं वो वोट नहीं डाल सकेंगे तो डिप्टी स्पीकर जो है ये वही है जिसने वफादारी निभा कर दिखाई है इस दफ़ा वो सरप्राइज़ देगा बहुत बड़ा तो से ज़्यादा कावलीफ चूँकि पी डी एम के साथ मिलकर इस सूरत हाल का तहरीक का कुछ नहीं बिगाड़ स इसलिए डरे मत आप लोग ये सिम्पल मेजार्टी तहरीक़ के हाथ एक दफ़ा आ गई उनका वज़ी अल बन जाएगा बंदा बड़े आराम से क्योंकि अतमाद का वोट जो है वो गवर्नर पंजाब ने जब कहा कि आपने तहरीक इसाफ़ की जो पार्लिमानी पार्टी अगरचे वो इस पर रजामंद नहीं हुए तो उनकी जो शिरकत उस तो अदम शिरकत थी उस वजह से वो स्टैब्लिशमेंट का हाथ उनकी तरफ इतना ज़्यादा अब अहम नहीं रहा यह भी कानूनी ऑप्शन है कि असम्बली की जो तहलील की समरी है उसकी दस्तखत तारीख जो है वो एक अलग सरप्राइज उससे इमरान खान ने तो कहा जुम्मे को दूंगे लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी गेम है क्योंकि इमरान खान ने ज़ाहिर अपने वकला से बात की अपनी पार्टी के लोगों से बात की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सारी माइंड आसाब की जंग है और ये जंग आपको पता है कप्तान हमेशा जीता है इनके पास जो आखिरी थोड़े से हैं एक दो पत्ते इसमें कोई शक नहीं जो वो जुमरात को अपने दिखाएंगे लेकिन पंजाब में अब इनकी कोशिश है कि किसी तरह हमज़ा शहबाज को सामने लाया जाए जब इन्होंने कोशिश की थी उस पहले भी कोशिश कर चुके हैं एक एक करके इनके तमाम मोहरे जो हैं वो पट चुके हैं साइड पर हो चुके हैं क्योंकि इमरान खान ने ना सिर्फ इनके साथ एक सियासत भी खेली और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी की इसीलिए इन लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इमरान खान और उसकी जमात को फारे करने से ही हम आगे चलेंगे पूरी कोशिश अब होगी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को उड़ाने की सियासत से भी और इमरान खान के ऊपर जानी भी ये मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो संभालने की क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है हुकूमत चलती है ये खुद परवेज़ अई कह रहा है ये परवेज़ लई की देखे है तो ज़िम्मेदार शख्स सिर्फ वाली तो है उसकी तो ये बातें हैं कि जर्नेल ने अपने हलफ से हर हलफ बर्दारी तोड़ा अपना हलफ जैसे मोनसलाई ने भी कहा कि मुझे कहा पीटीआई के वजह फर्दे जुर्म लगती है जनरल भाजवा पर डायरेक्ट इस पर आपने आयन तोड़ के सियासत में उदाखलत की सबूत तो यही है वजीराला कह रहा है उसका बेटा कह रहा है लेकिन लगाएगा कौन सुप्रीम कोर्ट <laughs> खैर मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट कह रहा है और ये लोग जाली ऑडियो इमरान खान के घर की नंबर वन इन्हें हमने बनाया एक अच्छा सा एडिटर रख लें कम अज कम जहां जंप आ रहा है ऑडियोज का वहां पे कोई इफेक्ट लगाएं कि जोड़ ले बारह तेरह साल के बच्चे यूट्यूब पर ये काम इतना अच्छा कर लेते हैं उन्हें किसी को हायर कर ले फाइबर से ले लेकू बंदा इन्हें समझ नहीं रही उमिर रहीम से करवा ली ऑडियो उस उमिर हरीम की ऑलरेडी पहले से पुरानी ऑडियोज तो डिलीट करवा करवाते उसकी आवाज़ वहीं से पकड़ी अब ये जहाजों से फेंकने वाले दौर में अभी तक रहने तस्वीर जिस तरह मोहतरमा बेनजीर की बेजनी इन्हें कोई समझाया अब नौजवान डीप फेक टेक्नोलॉजी भी जानते हैं ये वीडियो ऑडियोज़ का पोस्टमार्टम कर देते हैं दस मिनट में जस्टिस क्यूम जैसी ऑडियो में अभी तक फंसे हुए हैं इमरान खान को अठारह साल का कुमारा लड़का तो है नहीं जिसकी ऑडियो सुन के इसे रिश्ता कोई नहीं देगा अब देखें दो तरह के लोग हैं एक तो वो नौजवान नस्ल है अभी आजकल की जिन्होंने इमरान खान को नंगे पाँव मदीने जाते देखा तस्बियाँ पकड़ी खेड़ियाँ पहनी रहमत आलमी सल में जिक्र करते देखा वो इमरान खान के इस रूप के दीवाने हैं जिन्हें ये माजी का रूप दिखाते हैं वो उस दौर की मासियाँ जो इमरान खान की तस्वीरें उर्दू डायजेस्ट में रखा करती थीं अब वो उनके बच्चे जवान हो गए बुजुर्ग हो गए उन्हें हो सकता है ऑडियो से मज़ा आए उनमें साफ़ी भी बहुत सारे वो चस लेकर ले सुनते हैं क्योंकि उस माहौल में उस घर में बड़े हुए जहाँ खाला मासी पुपी को वो तस्वीर रखे देखा कौन है भी बंदा मुझे याद है एक तर्किश खातून ने मुझे यकीन करे बाखुदा इसी उम्र की इनकी उसने कहा कि एडिलेट में जब खान खेलने आया करता था तो हम लोग बस भर कर लड़कियाँ जाया करती को देखने क्रिकेट का कोई पता नहीं उन्हें उन्हें हो सकता है ऑडियो से आने मज़ा आएगा खान को लोग जो तस्वर इन्होंने अब नौजवान नसल देख चुकी है यही तस्वीर इनके जेन में और एक ये तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ चार गोलियां लगी हैं सामने एस एस जी का कमांडो और है उसको छः लगी हैं दोनों गाजी दोनों मिल रहे हैं और शहबाज शरीफ राना सोना मौलवी कोई उनके साथ आपको नजर नहीं आएगा इस बंदे के साथ क्योंकि इतनी सस्ती जान है हमारी शेर जवानों की उसने अपनी छाती पर गोलियाँ खाई उस सफीर को बचाया और कितने माओ के बच्चे और दुल्हनों के सुहाग उजड़ गए इनके इस गंदे खेल और गंदी लड़ाई में पूरा मुल्क तबाह हो गया इन्होंने सिर्फ एक इमरान खान का रास्ता रोकना है ये है इनकी तरजीहात के खान को गिरा दो तहरीक को बंद कर दो पार्टी को छोड़ दो शेख मुजीबाला हाल कर दो जड़ों में बैठ के खोखला करो इस बड़े दरख्त को बिलावल दरदारी के बारे में भी अच्छा कुछ बातें आई वो दो दिन गायब रहे तो लोगों ने बड़ा शोर मचा दिया एक तो आडियो टेस्ट बनाने वाले नंबर वन ने दूसरी तरफ फजूल लोग भी हैं देखें कोई ऐसे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए वैसे तो मैं चौधरी गुलाम हसैन साहब ने पूछा ये ट्विटर आपका है ये ट्वीट आती हैं वो कहते जी बिलावल नशे में होटल में तोड़ फोड़ कर रहा था फिर फिर उन्होंने कहा जी कि वो सिंध की वो कच्ची शराब साथ ले ले गया था पी के टकरे मार रहा था दीवारों को मतलब कुछ कह रहा जी वो काले उठा के ले गए उससे साथ क्योंकि कह जी डेविड के साथ चला गया भाग गया मतलब ये इधर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए वो ठीक है वो बैठा हुआ है उधर आज मैं सुन रहा था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बातें कह रहा जी इमरान खान गलत कर रहा है इमरान खान ने कोरोना में ही हालांकि कोरोना में इमरान खान वायद बंदा जिसने कहा सारा कुछ खोल और इकानमी बचा ली है तो तबाह करके दे सब कुछ इनका तो सलाब का पानी अभी तक नहीं वहाँ से निकल रहा और निकालेंगे भी कभी नहीं ये कभी भी नहीं निकालेंगे क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए इन्हें चाहिए वहाँ से इमदाद के नाम पर लूटें कोई जल्जले के नाम पर कोई किसी का हार चोरी करें सैलाब वालों का इनका तो वो मामला है जाए किसी गोरे के साथ जाएँ काले के साथ जाएँ इनकी अपनी मर्जी हमें क्या काम सही करें चाहे किसी नाइट क्लब में पढ़े रहें हमें क्या बड़े लोग करते हैं इस तरह काम इनका जी फेल है लेकिन काम पाकिस्तान के लिए जड़े ना कोखली करें यह सबसे बड़ा है अपना खास ख्याल रखें इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मज़ीदी मालूमात आपके सामने रखता हूँ अगली वीडियो तक लिए मुझे इजाज़ें अल्लाफ़